हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल और उसकी एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 के, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए, इसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट अगर हम देखने वाले हैं तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सामने लिख दिया है आपके। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है वो फॉर्मूला है x माइनस वाई के होल क्यूब का, जो कि होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy². फॉर्मूले को मैंने उल्टा करके लिखा है क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है ये इस रूप में बदलना है पहले हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको इस रूप में बदलना है। जब इस पूरे क्वेश्चन को इस रूप में बदल लेंगे तो ऐसा रखने में, ऐसा बदलने में हमें आसानी होगी। तो कैसे करेंगे वो आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है वो देखिए, यहां पर ये लिखा है 8a³। तो 8a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 8a³ को हम लिख सकते हैं, 8a का मतलब होता है, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब और साथ में क्या है ये a का क्यूब माइनस फिर b का क्यूब को ऐसे ही रहने दिया और बाकी सबको उतार दिया माइनस 12a² b प्लस 6ab² ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2a का क्यूब माइनस, फिर इसको लिख लेता हूँ b का क्यूब माइनस। अब इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना तो है, इसको लिखना तो है यहां, लेकिन अलग तरीके से लिखना है। वो तरीका क्या है वो आप देखेंगे। इसको भी हम नीचे लिखेंगे तो सही, लेकिन अलग तरीके से लिखेंगे। तो वो तरीका देखो, वो तरीका क्या है, जैसे ही आपने इतना लिख लिया तो तुरंत फॉर्मूले में आ जाओ। तो फॉर्मूले में देखो, ये पहले क्या लिखा है एक्स क्यूब और तुमने क्या लिखा है 2a का क्यूब। इसका मतलब है एक्स के बदले कौन है यहां पर 2a, फिर माइनस की जगह तो माइनस है, ठीक है ओके। यहां है y क्यूब और यहां पर है b क्यूब, तो y की जगह कौन है b है माइनस। अब ये जो चीज दिखाई दे रही है इसी को तो नीचे उतारना है, लेकिन किस तरीके से उतारेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से। पहले क्या लिखा है 3, फिर यहां पर क्या है मल्टीप्लाई। अब ये जो x है, स्टार्टिंग में बताया जा चुका था कि x जो है 2a के बराबर है, तो इस x की जगह हम क्या लिख लेंगे 2a लिख लेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। फिर यहां क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या है y, तो y की जगह कौन है b है, तो इस y की जगह भी क्या रखना है b, फिर ये प्लस की जगह प्लस। अब देखो तुमने ये जो लिखा है इसको अगर सॉल्व करो पूरा, वापस करके देखो मन में या रफ में, तो वापस पूरा यही आएगा। तो इस पूरे को हमने ऐसे लिख दिया है इसकी मदद से, तो यही काम आगे भी करना है, इस पूरे को वापस लिख देना है, इसकी मदद से लिखेंगे। कैसे, 3 की जगह 3, यहां पर क्या है मल्टीप्लाई, x की जगह आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में बता दिया था कि x की जगह पर क्या है 2a, तो x के प्लेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2a, y की जगह हमारे पास क्या है b, तो इस y की जगह क्या आ जाएगा b और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। तो अब आप देखें कि आपके पास ये जो एक्चुअल क्वेश्चन था है ना, अब ये क्वेश्चन जो है वो इस रूप में बदल गया है, ये रूप देखो, और ये रूप किसके जैसा है फॉर्मूले के जैसा। तो फॉर्मूला हमारे पास जैसा फॉर्मूला है वैसा ही अब हमारे पास क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये चीज क्योंकि इसके बराबर है तो ये चीज भी इसी के जैसे की बराबर होगी। तो इसको देखकर ये लिखा जा सकता है, कैसे लिखा है देखो, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब कर दिया, तो इसको भी लिख लो, कैसे लिखोगे, ये है x माइनस b का होल क्यूब, कहानी खत्म। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने इस फॉर्म में बदलना था, जो हमने बदल लिया। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।